छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, दसवीं और बारहवीं के छात्रों के लिए यह खबर। सीबीएसई की बची हुई परीक्षाओं पर सरकार ने कहा है कि कल शाम तक फैसला होने की उम्मीद है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो रही थी, जिसे सरकार के आग्रह के बाद गुरुवार 2 बजे तक के लिए टाल दिया गया है। सीबीएसई नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दसवीं की परीक्षाएं होनी है और बारहवीं की बची हुई परीक्षाएं होनी है। निपुण, क्या अपडेट इस खबर पर? छात्र बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आज सुप्रीम कोर्ट की इस हियरिंग का। जी बिल्कुल, छात्र बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और लगता यही है कि जो अपेक्षित रिजल्ट है, सरकार की जो प्रक्रिया है वही निकलने जा रहा है, क्योंकि मांग ये की गई है सुप्रीम कोर्ट से कि दसवीं और बारहवीं की जो बची हुई परीक्षाएं हैं, जिनके आयोजन की तारीख सीबीएसई ने घोषित कर दी थी 1 से 15 जुलाई के बीच में, उनको स्थगित करके इंटरनल असेसमेंट से ही नंबर दे दिए जाए। तो सीबीएसई की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया है कि इसी दिशा में विचार चल रहा है कि क्या प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, इसके पीछे कल शाम तक निर्णय हो जाएगा। तो परसों के लिए सुनवाई टाल दी गई है, लेकिन सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि परीक्षा रद्द करने पर विचार हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि प्रक्रिया क्या रहेगी असेसमेंट की, या क्या भविष्य में आगे कभी परीक्षा करवाई जाएगी, ऑप्शनल रखा जाएगा, ये तमाम बातें हैं जो परसों तक हमें साफ हो जाएंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।